हेलो दोस्तों, सीएम बाड़मेर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक BS4 गाड़ी के बारे में, जिसमें कोड आ रहा है P1123। इस कोड को हमें इनएक्टिव कैसे करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कोड को इनएक्टिव करने का। तो सबसे पहले ये कोड देखते हैं। ये कोड रेल प्रेशर का कोड आ रहा है। ये कोड क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें रेल प्रेशर सही से मेंटेन नहीं हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू 1890 bar, ये नहीं हो रहा है। तो हमें क्या क्या चेक करना है? रिटर्न लाइन चेक करना है। रिटर्न लाइन के बाद में हमें मीटर यूनिट चेक करना है। मीटर यूनिट चेक करने के बाद में हम क्या करेंगे? मीटर यूनिट और रेल प्रेशर की वायरिंग चेक करेंगे। उसके बाद में भी नहीं हो रहा है तो हमें चेक पॉइंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हम रिटर्न लाइन पूरी चेक कर लेंगे। स्कैन टूल से हम एक्चुएटर टेस्ट कर लेंगे और मीटर यूनिट चेक कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये कोड आ रहा है, जैसे कि P0193, ये सारे कोड आ रहे हैं जो मैंने PDF में दे रखे हैं, ये सारे कोड आ रहे हैं। तो हमें वायरिंग हार्नेस नीचे वाले में चेक करना है। दोनों में ये कोड सारे आ रहे हैं तो वायरिंग हार्नेस हमें चेक करना है। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो हम रिटर्न लाइन बदल के देखेंगे, मीटर यूनिट बदल के देखेंगे, इंजेक्टर रिप्लेस करके देखेंगे, पंप में कहीं क्रैक तो नहीं है वो देखेंगे, और हमारा वायरिंग हार्नेस देखेंगे कहीं से ख़राब तो नहीं है। ओके, थैंक यू दोस्तों।